स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, जो आपको नीचे पार्ट दिया गया है जैसे कि 1/6, तो इसके अकॉर्डिंग आपको फ्रैक्शन में कलर करना है। ठीक है, तो आपको था 1/6, तो मींस ऊपर जो 1 दिया है वो क्या आता है आपका जो कलर पार्ट है ना, और नीचे क्या आता है टोटल पार्ट्स। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में क्या होता है आपका जो आपको पार्ट शेड करना है और डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट। तो जैसे यहाँ पर दिया था 6, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 टोटल पार्ट थे एंड 1 क्या था आपका जिससे कलर करना है, तो आपने यहाँ पर कर दिया कलर 1। ठीक है, सभी को आ गया समझ में। तो अब है आपका सेकंड था आपका 1/4, तो ये फोर्थ पार्ट है टोटल, इसमें से 1 कलर करना है तो हमने 1 कलर कर दिया। ये 1/3, 3 पार्ट्स है टोटल डिनोमिनेटर ये, और 1 पार्ट करना था हमने 1 पार्ट कर दिया। अब देखिए फोर्थ में आपका 3/4, तो 3/4 है मीन्स 3 आपको कलर करना है, तो 3 आपने कलर कर दिया एंड 4 कितने थे टोटल पार्ट्स, ये क्या था 4/9। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये क्या था आपका 9। ठीक है, टोटल कितने पार्ट्स थे आपके इसमें 9, और कितना है आपका 4। ठीक है, 4 कलर करना था, हमने 4 कलर कर दिया यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। दिन का कौन सा हिस्से में आपका 8 घंटे होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है, तो आपको 8 घंटे का क्या करना है, फ्रैक्शन करना है, मींस दिन के कितने पार्ट में आपके 8 आवर्स आएंगे। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं आपको, 24 आवर्स, तो इसका फ्रैक्शन करना है आपका 8 आवर्स में करना है आपको फ्रैक्शन। ठीक है, तो हर मीन्स हर 24 घंटे में 8 घंटे कितनी बार आएंगे, तो आपको ये बताना है, तो फ्रैक्शन कर देंगे। तो एक दिन में कितने होता है आपके 24 आवर्स, तो फ्रैक्शन क्या होगा आपका, सिंस देयर फॉर द फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर्स का फ्रैक्शन क्या होगा, टोटल कितने होते हैं 24/8। ठीक है, तो कितने 1/3, तो 1/3 क्या आ गया इसका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आर इज 40 मिनट्स। ठीक है, जो आपका 1 घंटा होता है 1 आवर होता है, उसके कौन से पार्ट में कितने 40 मिनट्स आएंगे। ठीक है, कौन से पार्ट में 40 मिनट्स आएंगे उसके, तो क्या कर देंगे फ्रैक्शन कर देंगे। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होती है ना, हमें पता है 60 मिनट्स, और हमें क्या करना है फ्रैक्शन करना है कौन से पार्ट में 40 मिनट्स आते हैं, तो टोटल आएगा नीचे डिनोमिनेटर में बड़ा, तो 60/40 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको डिवाइड कर देंगे हम, फ्रैक्शन कर देंगे, मीन्स 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2 3 ज़ा, तो 2/3 आ गया फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखिए आर्य, अभिमन्यु, विवेक ने क्या करते हैं रोज शेयर लंच शेयर करते हैं, तो आर्य क्या लाया है, 2 सैंडविचेस लाया है, एक किसका है सब्जी का बना हुआ है और एक जैम से बना हुआ है। जो 2 लड़के थे वो अपना लंच लाना भूल गए हैं, तो आर्य ने क्या डिसाइड किया कि वो उसने शेयर करने के लिए हाँ कर दी, तो सैंडविचेस को, तो आपको बताना है कि जो हर पर्सन है वहाँ पर उनको अगर इक्वली बांटने हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे सैंडविचेस को। ठीक है, तो 2 सैंडविचेस है, तो एक ए है आपका क्वेश्चन, हाउ कैन आर्य डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर, तो आर्य कैसे अपने सैंडविचेस को डिवाइड करेगा बांटेगा ताकि जो हर एक पर्सन है मीन्स तीनों के पास इक्वल शेयर आ जाए। तो यहाँ पर आंसर है आपका, आर्य विल डिवाइड ईच सैंडविचेस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, तो 3 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा उन्हें डिवाइड करेगा, और तीनों को क्या कर कि तीन तीन पार्ट में उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, है ना, तीनों क्या करेंगे उसमें से 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और ले लेंगे। तो बी है, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, हर एक बॉय के पास सैंडविचेस का कितना पार्ट आएगा, तो आपका आंसर है कितने सैंडविचेस हैं यहाँ पे, देखेंगे सैंडविचेस आपका 1, और कितने हैं 3 है टोटल, है ना, 3 टोटल है, है ना, तो कितना पार्ट होगा आपका हर एक के पास, और हर एक को डिवाइड करना है ना, तो 1/3, तो कितना आएगा 1/3 पार्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, क्योंकि एक सैंडविचेस को एक हर एक सैंडविच को डिवाइड करना है, तो एक सैंडविच को हम जैसे 3 टोटल है और हर एक में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर किस में डिवाइड करना है, 1 में डिवाइड करना था, तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर में 1।
ठीक है, तो 1 × 1/3 1/3 आएगा, तो 1/3 पार्ट ही डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फ्रैक्शन था 1/3। ओके स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 हो चुका है। नेक्स्ट करें मैं आगे की क्लास में। थैंक यू।